सावन की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों में कांवड़ यात्रा निकालने की होड़ मच गई। जहां देखिए वहीं शिव भक्तों का सैलाब दिखाई दे रहा। हर जगह कांवड़ लिए शिव भक्त नजर आ रहे। मान्यता है कि कांवड़ यात्रा से अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। कांवड़ यात्रा के दौरान बोलबम के नारों से पूरा देश गूंज उठा। इसी बीच कासगंज से एक देसी ऐसी तस्वीर देखने को मिली जिसे देश भर के लोगों का दिल जीत लिया। इस तस्वीर में शिव भक्तों ने ऐसी कांवड़ यात्रा निकाली है जिसे देखकर लोग अपने दिल पर बैठे हैं, दिल हार बैठे हैं। इसके साथ ही शिव भक्तों को कलयुग का श्रवण कुमार कहा जाने लगा है। कहावत है कि एक बार श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। हालांकि वो अंधे आंखों की वजह से चल नहीं सकते थे। इसके बाद इनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके बेटे श्रवण कुमार ने एक कावड़ बनाई और फिर उस कावड़ में उन्हें बिठा करके उसे अपने कंधे पर रखा और अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई थी। ऐसा ही एक तस्वीर जनपद कासगंज में देखने को मिला। यहाँ 5 शिव भक्त अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर कांवड़ यात्रा पर निकले हैं। क्या नाम है आपका? गीतांजी, आज अपने माँ बाप को आप कांवड़ लेने जा रहे हैं बिठा के। कहाँ से आए हैं, कितने किलोमीटर का रन? हम बरनाल के पास इकारा है, उस गांव से आए हैं। हमें 150 किलोमीटर पड़ा एक तरफ से। अच्छा, तो कितने लोग इस कांवड़ को लेकर जाएंगे? इस कांवड़ को लेकर जा रहे हैं 8 लोग। कब तक पहुँच जाएंगे भाई? कोई पता नहीं है टाइम कितना लग जाएगा। कितने किलोमीटर का रन होगा? मेरा किलोमीटर का रन है करीब 150 किलोमीटर। बात करें तो आखिर क्या मन में विचार आया? जो मन में विचार ये है माँ बाप को दर्शन कराने के लिए ले जा रहा हूँ। क्या पहली बार लाए हैं कि इससे पहले भी कांवड़ ले जा चुके हैं? पहली बार आए हैं कांवड़ लेने। हाँ, कहाँ से कांवड़ लेके आए हो, कहाँ तक जाएंगे? खैरा से लेके आए हैं, परनाल के पास करल सोरो ले जानी है। कितने दिन का ये रन है, कितने किलोमीटर की यात्रा है? ये है मैक्सिमम 170। क्या मन में विचार आया जो आज आप माँ बाप को? मन में यही विचार था कि अपने माता पिता को दर्शन कराने के लिए और